हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से फाइनली दो बहुत बड़े अपडेट यहां पर मिल रहे हैं। पहली अपडेट है जिसके बार बार क्वेश्चन किया जा रहा है आप सभी छात्रों के द्वारा कि पीईटी का नोटिफिकेशन कब जारी होगा। पीईटी का सिलेबस जारी कर दिया है आयोग ने और 1 महीने होने वाले हैं लगभग लगभग, लेकिन अभी तक आगे की कोई भी प्रक्रिया नहीं दिखी है आयोग की तरफ से पीईटी को लेकर। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली आयोग ने पीईटी के लिए कदम बढ़ा दिया है। साथ साथ दूसरी खबर निकल के आ रही पीटी यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा कैलेंडर 2021 को लेकर, जिसमें आपके सभी आगामी रिजल्ट, आगामी परीक्षाएं, साथ साथ पीटी की परीक्षा की तिथि, ठीक है, ये सारी जानकारी भी आपको इस परीक्षा कैलेंडर में देखने को मिलने वाला है। पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में, कहीं भी इसकी मत करें। साथ साथ दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी, यूपी ट्रिपल एससी और जितनी भी वैकेंसियों के यहाँ पर अपडेट आपको मिलती है, साथ साथ जितनी भी क्लासेज आती हैं उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हमारा बी टॉपर का ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च किया जा चुका है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एक बार जरूर विजिट करें। वहाँ पर आपको सारे क्लासेस के पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे। क्लास का पीडीएफ का ऑप्शन बना होगा, क्लास पीडीएफ, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए। जितने भी पीडीएफ हैं वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ मिलेंगे और अपलोड किए जा रहे हैं पीडीएफ, जो पीटी की डेली क्लासेस होती हैं टॉपिक वाइज, उनके पीडीएफ लगातार अपलोड किए जा रहे हैं। कुछ पीडीएफ अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप जाइए और सारे पीडीएफ विद आंसर डाउनलोड कर लीजिए हमारी वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, क्लास पीडीएफ पर सेलेक्ट करेंगे और सब्जेक्ट आप चूज करेंगे जिस सब्जेक्ट का आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, तो जाइए वहां पर डाउनलोड कीजिए जो अपलोड हो चुके हैं, और धीरे धीरे अपलोड सारे किए जा रहे हैं जितने भी क्लासेस हो चुके हैं। तो जाइए हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए और जितनी भी क्लासेस हों उनके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिए, और जितने भी लेटेस्ट न्यूज है वो भी यहां पर आपको मिलती रहेगी वेबसाइट पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का 99 रुपीज वाले क्रैश कोर्स खरीदने का आज अंतिम तिथि है। जी हां दोस्तों, आज रात 12 बजे तक ये क्रैश कोर्स मात्र 99 रुपीज में मिलेगा। इसके बाद ये क्रैश कोर्स आपको 259 रुपीज़ में मिलने वाला है। जिनको भी 99 में अभी भी लेना है, नहीं लिया है, तो देर किस बात की भाई, 99 रुपये में बहुत कुछ यहाँ पर दिया जा रहा है। इसमें ये कोई वन लाइनर की पीडीएफ फाइल नहीं, ये पूरा सिस्टमैटिक तरीके से सब्जेक्ट वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया है। सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं पीटी के साथ साथ। बहुत सारे छात्र हमारे ऐसे जुड़े हुए हैं जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं लेखपाल भर्ती के लिए, तो लेखपाल का भी सिलेबस उनका कवर होता रहा, इसलिए ग्राम समाज वगैरह भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। सारे चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वन लाइनर क्वेश्चन भी दिए गए हैं, साथ साथ स्पेशल वीडियो क्लासेस के लिंक दिए गए, जैसे हिंदी, जीके, ग्राम समाज और के सारे चैप्टर वाइज वीडियो क्लासेस भी मिल रहे हैं मात्र 99 रुपीज में। तो देर किस बात की, जाइए खरीदिए। लिंक इसका नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इसको जाके अभी कभी बाय कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं खबर में। तो दोस्तों यहां पर जानकारी मिल रही, सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा कैलेंडर को लेकर। जी हां दोस्तों, काफी लंबे समय से परीक्षा कैलेंडर आयोग की तरफ से जारी नहीं हुआ है। पिछले साल परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ था, तब से कोई भी परीक्षा कैलेंडर नहीं जारी हुआ। ये जो परीक्षा कैलेंडर है 2020 के एंड में ही आने वाला था, लेकिन यहां पर कुछ चीजों को लेकर आयोग रुक गया, क्योंकि यहां पर पीटी प्रणाली को लागू करने में आयोग फंसा हुआ था, इसलिए परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं कर पाया। लेकिन अभी दोस्तों यहां पर जानकारी मिलेगी, परीक्षा कैलेंडर दोस्तों आयोग की तरफ से बिल्कुल तैयार कर लिया गया है, क्योंकि पिछले महीने ही इस पर कार्य चल रहा था और लगभग लगभग कंप्लीट किया जा चुका है। आयोग किसी भी वक्त पीटी का यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा कैलेंडर 2021 जारी कर सकता है। तो बात करते हैं ये परीक्षा कैलेंडर किस तरीके से होगा। दोस्तों यहां पर आपको प्रगति रिपोर्ट पूरा देखने को मिलेगा, साथ साथ दोस्तों आगामी रणनीति क्या रहने वाली आयोग को यह भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले अब तक जो कैलेंडर जारी हो रहा था उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रगति रिपोर्ट देखने को मिलता था आपको। जो पुरानी वैकेंसियां हैं उनके ही रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती थी कि क्या किसका परिणाम जारी होने वाला है, किसका परिणाम जारी हो गया है, किसकी मुख्य परीक्षा होने वाली है, किसकी परीक्षा होने वाली है, यही सारी जानकारी दी जाती थी। आगे की रणनीति कुछ नहीं बताई जाती थी कि कौन सी वैकेंसी आने वाली है, कौन सा एग्जाम होने वाला है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर दोस्तों इस बार आयोग थोड़ा हट के और आयोग बच्चों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सब आप सभी को पता है कि आप सभी का डिमांड भी आपने कई बार किया कि आयोग एक सिस्टमैटिक तरीके से एग्जाम कैलेंडर जारी करे और उसमें बाकायदा पूरी रणनीति अपनी बताए और अपने रणनीति पर काम करे, तो उस पर थोड़ा सा अमल कर रहा है आयोग। ये सब कुछ आपका ही करने का असर है, जो आप लोगों ने इतने बड़े लेवल पर आंदोलन किया, तो इसको लेकर दोस्तों आयोग कुछ चेंजेस कर रहा है अपने सिस्टम में। तो इसको लेकर देख सकते हैं कि आपका जो यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा कैलेंडर है उसमें कई सारे बदलाव देखने को मिलेगा। अब बदलाव तो कर रहा है वो ठीक है, लेकिन कितना अमल करता है, जो चीजें आयोग बताता है कैलेंडर में, क्या उन डेट्स पे
अपनी कमिटमेंट्स पूरी करता है कि नहीं करता है ये तो देखना है आगे चल के। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, सब कुछ समय पर हो तो फिर दिक्कत ही क्या है छात्रों को। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका परीक्षा कैलेंडर है वो किसी भी दिन आयोग के वेबसाइट पर जारी हो सकता है। हमारे साथ बने रहिए, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी ऑफिशियल मैं आप तक पहुँचाऊँगा और जैसे ही परीक्षा कैलेंडर जारी होगा। साथ साथ बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर UP SSC PET नोटिफिकेशन को लेकर। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, PET का नोटिफिकेशन पे एक महीने से काम चल रहा है। पिछली महीने 19 फरवरी को PET का ऑफिशियल सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया था। लगभग एक महीने होने वाले हैं और PET के सिलेबस जारी करने के बाद में आयोग PET के नोटिफिकेशन PET के विज्ञापन पर जुट गया था और अब तक कार्य ही चल रहा था, वेब पोर्टल वगैरह पर भी काम चल रहा था। तो यहाँ पर फाइनली जानकारी मिल रही है कि वेब पोर्टल वगैरह तैयार हो चुका है और अब बस इसकी लॉन्च करने की बारी है और आयोग पूरी तरीके से यहाँ पर मीटिंग्स वगैरह ले रहा है। आज मंडे को एक मीटिंग होने वाली है जिसमें आयोग PET को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है, जिसमें हो सकता है कि जो वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया जाए। ट्रायल वगैरह पर चल रहा है सब कुछ। साथ साथ दोस्तों यहां पर PET का नोटिफिकेशन इसी वीक आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि मीटिंग वगैरह इसी वीक में PET को लेकर होने वाली है। तो मैंने जैसा कि आप सबको पहले बताया था कि 25 मार्च यानी होली से पहले पहले आपका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल सही खबर निकल के आ रही है दोस्तों। 25 मार्च से पहले पहले विज्ञापन देखने को मिलेगा, हो सकता है कि आपको इसी सप्ताह में देखने को मिल जाए। तो ये बहुत अच्छी खबर है, आप लोग पेशेंस बनाए रखें, तैयारी करते रहें। डेली हमारे चैनल पे क्लासेस होती हैं, टॉपिक वाइज क्लासेस होती हैं, उनकी PDF फाइल भी प्रोवाइड करते हैं। अब तक PDF फाइल नहीं प्रोवाइड हो पा रही थी लेकिन अभी हमारी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है BTopper, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां पर आपको सारे PDF अपलोड कर दिए किए जा रहे हैं। कुछ PDF अपलोड हो गए हैं तो जाकर डाउनलोड कर सकते हैं विद आंसर दोस्तों, रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा है, फ्री में दिया जा रहा है बिल्कुल। तो लिंक आपको वेबसाइट का ऊपर मिल जाएगा, उस पर जाकर आप 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा होम पेज पर, उसके बाद में आप क्लास PDF पर जाइएगा, फिर सब्जेक्ट चूज़ कीजिएगा और जो PDF अपलोड है उनको डाउनलोड कर लीजिए और आगे भी आप विजिट करते रहेंगे वहाँ पर, PDF फाइल और लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह भी वहाँ पर मिलती रहेगी UP SSC की। तो दोस्तों यही सारी खबर निकल के आ रही थी। बात करते हैं रिजल्ट को लेकर, भी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, वो भी यहाँ पर इसी वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 2 रिजल्ट आपको आने के बहुत बहुत चांसेस बन रहे हैं। पहला रिजल्ट आपका है जूनियर असिस्टेंट 2019 वैकेंसी, जिसकी परीक्षा 4 जनवरी 2020 को आयोजित हुई थी। दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया है इस वैकेंसी के परीक्षा का आयोजित हुए और इसका रिजल्ट दोस्तों पूरी तरीके से तैयार है। आयोग इसका जो रिजल्ट है वो इसी सप्ताह जारी कर सकता है, ये जानकारी मिल रही है। साथ साथ आपका मंडी पर्षद का जो रिमेनिंग रिजल्ट है वो साथ साथ लोअर टू, ये सारे रिजल्ट जो हैं ये आपको मार्च माह में ही देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल जो पहला रिजल्ट आने वाला जो कंफर्म है एकदम, वो जूनियर असिस्टेंट 2019 वैकेंसी का आने वाला है। तो जितने भी जूनियर असिस्टेंट के वैकेंसी के छात्र हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाइए, किसी भी दिन आपको जूनियर असिस्टेंट 2019 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और अगर कोई किसी भर्ती के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए, कोई अपडेट चाहिए, तो आप प्लीज़ अपने भर्ती के रिगार्डिंग कॉमेंट सेशन में कॉमेंट जरूर किया करें, मैं नेक्स्ट टाइम आयोग से जानकारी लेकर आप तक जरूर पहुंचूंगा। तो अपनी क्वेरी जरूर लिखें, मैं रीड कर ही जाता हूं जानकारी लेने, तो आप लोग लिखेंगे तभी मुझे याद आएगा, वरना इतनी सारी वैकेंसियां पेंडिंग है, इतने सारे एग्जाम्स आने वाले हैं कि मैं खुद ही भूल जाता हूं कि इसके बारे में जानकारी लेनी है, किसके बारे में पूछना है आयोग से। तो कॉमेंट जरूर कीजिए और वेबसाइट से जाकर आप अपना PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।